यूपी के जौनपुर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने पर एसडीएम की ओर से लगाई गई रोक हटाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एसडीएम के आदेश में विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने से सामाजिक असंतुलन खड़ा हो सकता है। दरअसल एसडीएम ने दो समुदायों के विवादों को रोकने के लिए किसी भी धर्मस्थल पर इन उपकरणों को न लगाने का आदेश जारी किया था। लाउडस्पीकर पर पहले ही रोक लगी हुई थी, लेकिन जौनपुर के बदोपुर के रहने वाले मशरूर अहमद और मुस्लिम समाज के अन्य लोगों ने अपील की थी कि इसको हटाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रोक को बरकरार रखा है, जिसको लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। तो लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार हो गया था और अब लाउडस्पीकर को लेकर एक नया मामला सामने आ रहा है। तो लाउडस्पीकर के लिए लिखित इजाजत काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, जिसको लेकर तमाम काफी दिनों से बयानबाजी भी नजर आ रहा था, जिसमें हाईकोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार भी हो गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से सोएब रिजवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन में मौजूद है। सोएब, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये बयानबाजी चलती आ रही थी लाउडस्पीकर को लेकर, अब क्या नया अपडेट सामने आया है? बिल्कुल, चूंकि एक मामला कोर्ट में आया था जिसमें बाकायदा इस इलाके के एसडीएम ने इस मामले में एक आदेश दिया था, जिसको चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट आकर के इसके लिए परमिशन की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें परमिशन नहीं दी और उन्होंने जो वहां के एसडीएम ने जो आदेश जारी किया था उसको यथावत रखा। तो कह सकते हैं कि एक तरफ से ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एसडीएम ने जिस आधार पर ये आदेश दिया है वो उचित है, और इसलिए चूंकि इस पूरे मामले में परमिशन ये दी गई थी कि वहां पे अजान के लिए बाकायदा माइक लगाने की परमिशन मांगी गई थी कोर्ट के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने जो दूसरे पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई और जो पिछले आदेश बताए गए उसका जो आधार बताया गया उस आधार को कोर्ट ने सही माना, और उसके आधार पर कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया और कोर्ट ने उन्हें परमिशन देने की इजाजत नहीं दी। जी, लिखित इजाजत भी जरूरी हो गया, इसी के साथ कोई और नियम कानून सामने आया है? जी बिल्कुल, चूंकि कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई उसमें यही आधार बनाया गया कि आधार पर एसडीएम ने, क्योंकि आधार पर एसडीएम ने परमिशन देने से मना किया था कि वहां पे हालात बिगड़ सकते हैं, जो दूसरे पक्ष हैं उनमें वैमनस्य आ सकती है, आपस में विवाद हो सकता है, उस आधार पर इसे रोका था, और यही ग्राउंड पर कोर्ट ने भी उस बात को माना और एसडीएम का जो आदेश है उसको सही माना। जी सोए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।